सर बताइए कि संविधान का पहली बैठक कब हुआ था। ठीक है, तो बता दिए थे कि संविधान का जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कहां हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, उसको आज हम लोग संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जानते हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जानते हैं, वहीं पर क्या होता है, संविधान की पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। तो उस बैठक में, पहली बैठक में कुल कितने सदस्य जो है शामिल हुए, भाग लिए, हिस्सा लिए, तो उसमें क्या है 211 व्यक्ति यानी 211 सदस्य क्या किए, भाग लिए। उसमें मुस्लिम लीग भी क्या होता है कि शामिल हुए तो भाग लिए थे। तो उस सभा में जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक का मुस्लिम लीग क्या किया, विरोध किया, कहा क्या कि मैं पाकिस्तान का मांग करता हूं, यानी उसका विरोध किया, कहा कि जो है मुझे एक अलग ही क्या है, यानी स्वराज चाहिए, एक अलग ही देश चाहिए, है ना, वो अगला अलग देश का मांग किया। कौन? यानी जो मुस्लिम लीग थे वो क्या है कि अलग ही देश का मांग किया, वो देश क्या, पाकिस्तान का मांग किया। ठीक है, कि हम अपना नेतृत्व अलग करना चाहते। कब किया, कब बहिष्कार किया, 9 दिसंबर 1946 को, जो पहली बैठक हुआ था संविधान का। उस पहली बैठक में संविधान सभा का क्या होता है कि अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या होता है, अध्यक्ष पद के रूप में चुना जाता है संविधान सभा का। बाद में क्या होता है कि वो सभा का जो अध्यक्ष यानी संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन ली जाती है। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो क्या होता है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, डॉक्टर HC मुखर्जी क्या होता है उस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। उस सभा का, संविधान सभा का। ठीक है, एक और व्यक्ति चुना जाता है टीटी कृष्णमाचार्य को क्या होता है, उपाध्यक्ष रूप में चुना जाता है। अब संविधान बनाने के लिए कोई सलाहकार होना चाहिए, तो संविधानिक सलाहकार के लिए क्या होता है, आपको बता दे कि बी एन राव को क्या होता है संविधानिक सलाहकार के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि संविधान निर्माण करने के लिए क्या होता है कि कमिटी गठन किया गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समिति कहेंगे। तो समिति गठन किया गया जिसमें क्या होता है कि 22 समिति का गठन किया गया। ठीक है ना, तो 22 समितियों में से क्या होता है कि 8 जो समिति था वो मुख्य समिति था। ठीक है ना, तो 8 जो मुख्य समिति था वो कौन कौन समिति था, एक समझ लीजिए, एक समिति का नाम है आपका मसौदा समिति। ठीक है ना, तो मसौदा समिति का जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। तो उस समिति में क्या होता बता दे कि 7 सदस्य, यानी जिसको हम लोग कहेंगे ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी पारूप समिति का जो अध्यक्ष कहा जाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें कितना सदस्य थे, यानी 7 सदस्य। ठीक है, आगे पढ़ाई की केंद्रीय ऊर्जा समिति जो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या होता है चुना जाता है। ठीक है, कहता है केंद्रीय घटना समिति क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही चुना जाता है। उसका कहता है कि प्रांतीय घटना समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना जाता है। उसका क्या है कि मूलभूत अधिकार अल्पसंख्यक आदिवासी और कहता है उपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार के रूप में क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना जाता है। उसका क्या कहता है कि ये तो समिति था, अब उप समिति की बात यह क्या, उप समिति कौन कौन थे, कहता है कि मूल अधिकार, कहता है मूलभूत अधिकार उप समिति, इनका अध्यक्ष होता है JB कृपलानी को चुना जाता है। ठीक है, कहता है कि अल्पसंख्यक उप समिति है ना, ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना जाता है। उत्तर पूर्व सीमांत आदिवासी क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ कहता है बरदोलोई को चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद बता दे क्या कि संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में से, याद रखिये संविधान सभा में कुल क्या होता है 299 सदस्य क्या होता है शामिल थे। ठीक है, उसमें क्या होता है इसे 299 में से क्या होता है 284 सदस्य क्या होता है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा कितना 284। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है ना, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया, लागू किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में क्या होता है कि लागू की जाती है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, अनेक त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे कह रहा है कि एक संविधान जो लिखा गया तो संविधान क्या होता है जो भागों में बटा, तो संविधान क्या होता है संविधान में 22 भाग, कितना भाग, संविधान में 22 भाग था, 8 अनुसूची था, 395 क्या अनुच्छेद था, कितना 22 भाग। ठीक है,
395 अनुच्छेद जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं और 8 अनुसूची था। कितना? 8 अनुसूची। संविधान लिखने में जो वक्त लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। कितना वक्त लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो आज हम लोग इतना जानकारी काफी हम लोग के लिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।